सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ इनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉक का एपिसोड खत्म हुआ और अब TLC PPV होना है, रॉक के बाद कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं, उसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। इसमें से कुछ अपडेट जुड़ी हैं TLC PPV से, तो बने रहे मेरे साथ वरना बहुत कुछ आज आप मिस कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जैसा कि आज रॉक के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस ने करी, वहीं अगर शायद आप लोगों ने गौर करा हो तो सेथ रॉलिंस ने आज न्यू थीम म्यूजिक के साथ एंट्री करी थी। ये थीम बर्न इट डाउन का न्यू वर्जन था। पिछले काफी टाइम से सेथ रॉलिंस बर्न इट डाउन के पुराने थीम पर एंट्रेंस करते आ रहे थे, बट आज न्यू वर्जन के साथ उन्होंने एंट्री करी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है TLC PPV से। जैसा कि PPV के लिए काफी सारे मैचेस सामने आ चुके हैं, वहीं कुछ टाइम पहले सामने आए अलायंस वर्सेस बॉबी लैशले के मैच में एक नई शर्त जोड़ी गई है, जिसकी वजह से ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। WWE ने इस मैच को लैडर मैच बना दिया है और इसमें ट्विस्ट ये भी है कि रिंग के बीचों बीच गिटार लटका होगा और जो इसको चढ़कर उतार लेगा वो इसे अपने अपोनेंट पर इस्तेमाल कर सकता है। अब TLC PPV में देखना होगा कि इस शर्त से ये मैच कितना इंटरेस्टिंग बन पाएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है फिन बैलर से। जैसा कि आज की रॉ में हमें फिन बैलर नहीं दिखाई दिए, जबकि ये TLC से पहले आखिरी रॉ थी और फैंस को उम्मीद थी कि वो यहां दिखाई देंगे। वहीं लास्ट वीक हमने देखा था कि ड्रू मैकइंटायर ने बैकस्टेज बुरी तरह फिन बैलर पर अटैक करा था, जिसके बाद इस वीक के रॉ के एपिसोड में बैलर नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद अपडेट ये आ रही है कि फिन बैलर इंजर्ड हैं और यही वजह है कि मिक्स मैच चैलेंज में बैली के साथ टीम में बैलर थे, बट उन्हें अब रिप्लेस कर दिया है अपोलो क्रूज ने। वहीं रॉ के लाइव इवेंट में भी फिन बैलर हमें नहीं दिखाई दिए थे, बट आपको बता दूं फिन बैलर इंजर्ड नहीं है बल्कि वो बीमार हैं, इस वजह से वो हिस्सा नहीं बन पाए आज के रॉ के एपिसोड का, बट उम्मीद है कि TLC PPV में वो ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ उतरेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सेथ रॉलिंस के फ्यूचर प्लान से। पिछले कुछ हफ्तों से रॉ उतनी खास नहीं कर पा रही थी, बट आज के मेन इवेंट में जैसा सेथ रॉलिंस का परफॉर्मेंस रहा, उससे ये साफ हुआ कि WWE काफी भरोसा कर रही है सेथ रॉलिंस पर। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से रॉ की रेटिंग खराब होने का पूरी जिम्मेदारी सेथ रॉलिंस ने बैरन कॉर्बिन पर डाल दी। वहीं सेथ रॉलिंस ने आज के सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर को भी टारगेट करा और व्यूअरशिप गिरने का एक कारण उन्हें भी बता डाला। सेथ रॉलिंस का कहना था कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप रॉ में दिखती नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से ब्रॉक लेसनर चैंपियन बने। वहीं सेथ रॉलिंस का ब्रॉक लेसनर को टारगेट करने के पीछे रीजन निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि WWE कहीं ना कहीं अब सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में देख रही है। खबर ऐसी है कि सेथ रॉलिंस TLC में टाइटल हार सकते हैं और डीन एम्ब्रोस यहां न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं और जिसके बाद सेथ रॉलिंस को WWE यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में लाएगी, जो कि काफी जरूरी भी हो गया है रॉ ब्रांड के लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को फिर से चैंपियन बनाने का मतलब समझ नहीं आया। अब वो रॉयल रंबल में ही दिखाई देंगे, इसी वजह से टाइटल रॉ में दिखता नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो मैंने डिटेल में आपके सामने रखी। बस अब इंतजार है TLC PPV का। आई होप अच्छा रहे ये PPV। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे पावर स्लैम जैक हैमर मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।